जी आज फिर से हम आए भगवती मोटर्स आपको लेके, और आज हमारे पास हेक्टर रहने वाली है। आप देख सकते हो गाड़ी कंडीशन, हम आपको बिफोर दिखा रहे हैं क्योंकि आपको आइडिया हो सके गाड़ी किस कंडीशन में और हम इसको किस कंडीशन में कन्वर्ट करेंगे। गाड़ी बहुत दूर से आई है पुनीत जी, कहाँ से आई है गाड़ी? ये गाड़ी जबलपुर से आई है। जबलपुर से आई है। इसके अंदर इनका ब्लैक कलर का इंटीरियर था पहले, जो कंपनी से आता है। अब इसका पूरा रूफ से लेके इंटीरियर सारा चेंज हो चुका है। ठीक है, आपको गाड़ी दिखाते हैं। ठीक है, अभी ये बिफोर का काम चल रहा है। ठीक है, अभी बाहर से भी देखो गाड़ी कंडीशन, और मतलब मेरे को लग रहा है काफी टाइम से गाड़ी यूज भी नहीं की इन्होंने, जैसे कर ये देख सकते हो सारी गाड़ी खुली है, इसका काम हो रहा है। इस तरह कुछ लग्जरी इंटीरियर हो रहा है इसमें। ठीक है, और ये जो होता है ना, ये रैपिंग वगैरह नहीं, प्रॉपर पेंट होता है, तो लाइफ टाइम रहता है इसमें। सर बात करें तो लाइफ टाइम रहेगा, लाइफ टाइम ऐसे रहेगा। बाकी गाड़ी अभी खुली हुई है, काम वगैरह चल रहा है। रूफ इसकी लाइट ग्रे कलर की थी। ठीक है, अब ये पूरी रूफ विद कर्टन कंप्लीट ब्लैक की गई है। ठीक है, ये सनरूफ वाली होती है ना? सनरूफ वाली है। काफी कॉम्प्लिकेटेड होता होगा इसको मैनेज करना, बट कर ही दिया है। बाकी गाड़ी रेडी हो रही है, आज फाइनल डे है तो आपको इसका सामान दिखाते हैं जो जो इसका रेडी हुआ है। अच्छा, ये पार्ट्स वगैरह इसके बन के आ गए हैं, मतलब फिटिंग वगैरह होनी है जी। आज शाम तक जो है गाड़ी रेडी हो जाएगी और कस्टमर को हम डिलीवर कर देंगे। ठीक है जी, बाकी आप इधर देख सकते हो ये इसका डोर पैनल है। ठीक है, ये इसका नॉब है। ओके, ये इसका डैशबोर्ड है। ठीक है, ओके, ये इसका सॉफ्ट टच। ओके, ठीक है, और ये भैया ये क्या कर रहे हो आप? ये इन्फिनिटी के लोगो है। अच्छा, लोगो भी लगा दोगे आप? वाओ। अच्छा, कुछ इसके मतलब स्पीकर्स वगैरह भी अपडेट हो रहे हैं क्या इसके? कुछ स्पीकर्स में ऑलरेडी इन्फिनिटी के आते हैं। अच्छा अच्छा, ये नॉब देखिए, ये नॉब की फिनिशिंग चेक करिए। ओके, फिनिशिंग आप देख सकते हो, थ्रेड वर्क आप देख सकते हो, अमेजिंग। ये देखिए, ये इसके डोर्स में लेदर का काम है। ओके, ये बूट है। ठीक है, ये आपको हम एक एक पीस दिखा रहे हैं, आप फिनिशिंग चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पर पुश बटन स्टार्ट रहने वाला है। ठीक है, ये डैशबोर्ड का छोटा पीस है, ये छोटा लिख के मार्क किया गया है। ओके ओके, ये सब मेंशन किए जाते हैं। ओके, ये लास्ट पीस है। ओके ठीक है, फिर उसके बाद ये स्टीयरिंग हो गया, ये डबल रैप में किया गया। ओके ठीक है, तो ये सब अभी पार्ट्स जो है रेडी होके आ चुके हैं। इसके अंदर आप इसकी सॉफ्ट टच की फीलिंग चेक करें। ये देखिए, मैं थोड़ा इसकी ओरिजिनल लाइन है और यहाँ से ये इतना मोटा है, ये मैं आपको दबा के दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है, स्टिचिंग की क्वालिटी चेक करिए आप, फिनिशिंग आप देख सकते हो। स्पेशली नॉब देखिए, ये क्लोजअप में आप देख लोगे नॉब की क्वालिटी किस तरह की रहने वाली है। ठीक है जी, तो अभी गाड़ी शाम को रेडी होगी, फिर हम आपको दिखाएंगे। तो जी फाइनली हमारी हेक्टर रेडी हो चुकी है, शुरुआत करते हैं डोर से, क्योंकि बाहर कुछ काम नहीं हुआ, पूरा काम जो है इंटीरियर में हुआ है। रात हो गई, गाड़ी का काफ़ी सारा काम था उस टाइम, मैंने आपको दिखाया था। आप चलते हैं गाड़ी के अंदर लेके, आप यहाँ पे आते हैं तो ये आप डोर देख सकते हो। ठीक है जी, ये अपना टैन कलर में किया गया है, जो कि एक लग्जरी इंटीरियर हम इसको कहते हैं, लग्जरी गाड़ियों में इसी टाइप का इंटीरियर होता है। तो एक तो पूरा ये डोर हो गया। ठीक है, ये कोटिंग ये लाइफ टाइम चलती है भैया, ऐसे लाइफ टाइम चलती है। ये भी आप देख सकते हो, ये लेदर रैप हुआ है, सॉफ्ट टच आप इसमें देख सकते हो। ये देखो, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, कलर कॉम्बिनेशन कितना परफेक्ट है, परफेक्शन के साथ इसको मैच किया गया है, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है, बट प्रोफेशनल्स की टीम रहती है यहाँ पे, जो कि आपको बिल्कुल परफेक्ट काम करके देते हैं, 100/100 क्वालिटी का काम। उसके अलावा ये भी आपने किया भैया। ठीक है, ये वुडन वगैरह हुआ है, ये भी वुडन हुआ है, और इसके अलावा इधर ये भी सिल्वर किया आपने क्या? अच्छा, कंपनी से आता है, बट ये बिल्कुल प्रॉपर इसकी शाइन है क्या? मतलब इसको कुछ आपने किया है क्या, रीपेंट वगैरह समथिंग कुछ किया है क्या? ओके, इसको एक तरह से बफिंग की गई है, क्योंकि इसकी कंडीशन वर्क हुआ है। ओके, ये पूरा डोर हमारा इसमें पहले ब्लैक कलर का था। ओके ओके, इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डोर का काम हुआ। ये हमारा एक सिल्वर मेटालिक टच है जी, इसके बाद ये वुडन टच है। ठीक है, ये डैशबोर्ड के अंदर लेदर का काम हुआ है, इसको आप देखिए। ठीक है, ओके ठीक है, तो ये भी आपने किया क्या बिल्कुल इसके साथ मैचिंग? ये ब्लैक में आता है ना? ये ब्लैक में आता है, ये गाड़ी पूरी अंदर से ब्लैक थी। इधर भी इन्फिनिटी का आपने स्टिकर्स लगाए हैं। इसकी जो रूफ थी, इसकी जो रूफ थी, ठीक है, रूफ पहले लाइट कलर की थी, लाइट ग्रे कलर की। ओके ओके, इसकी रूफ पूरी ब्लैक है। ठीक है, जो आप नई वाली गाड़ी आप देखे ना, फोर्ड एंडेवर, उसके अंदर सेम ऐसी रूफ है ब्लैक कलर। ओके, फोर्ड एंडेवर जैसे। ठीक है, ये पूरा जो है ना, हां जी हां जी, सॉफ्ट टच का बिल्कुल स्मूथ वेलवेट है। ठीक है, इसको फील करिए। तो उसके बाद ये स्टिचिंग वर्क के अंदर हमने इसमें एक लेटेस्ट डिजाइन तैयार किया है जी,
ये कंप्लीट जुकी मशीनों पे सीट कवर बना हुआ है। इनकी सीटें, गाड़ी काफी चली हुई थी, सीटें बैठी हुई थी जी जी। अब इसके अंदर ये सारी पैडिंग करके इनकी सीटों को लेवल को रेस किया गया, क्योंकि ये मॉडल भी हेक्टर का पुराना है, डिसकंटिन्यू हो चुका है। 19 मॉडल गाड़ी है ये, ठीक है, डीजल वाली गाड़ी है। ओके, इसमें फिनिशिंग देखिए, ये फिनिशिंग चेक करें जी, ये आप देख सकते हो फिनिशिंग। हमने स्टार्टिंग में आपको पार्ट दिखाए थे, अब इसकी फिटिंग हो चुकी है, फिटिंग हो चुकी है। ये इसका बिल्कुल रेडी टू डिलीवर है गाड़ी, सिल्वर मैचिंग है बिल्कुल। इसके बाद आप स्टीयरिंग के ऊपर, स्टीयरिंग के लिए वहाँ से आते हैं हम, वहाँ डैशबोर्ड है, ठीक है, उधर से आते हैं, वहाँ से हम वो चीजें दिखाते हैं। ये आप देखते हो, ये थोड़ा सा गाड़ी के अंदर ही आ जाते हैं आपको प्रॉपर दिखाने के लिए। ये स्टीयरिंग की लुकिंग देख सकते हो, तो ये भी पूरा जैसे ब्लैक ही होता है, पूरा कंप्लीट ब्लैक था। यहाँ पर ये ब्लैक नॉर्मल ब्लैक था प्लास्टिक, इसके अंदर ये कंप्लीट वुडन फिनिश के साथ जी। और ये इसके साथ सिल्वर, वुडन और लेदर, ये कंप्लीट स्टीयरिंग का सेटअप है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये डैशबोर्ड के अंदर, इसके अंदर लेदर आया हुआ था ब्लैक कलर का, अब इसको पूरे हमने दिखाया था। उसके बाद ये लेदर को पूरा सॉफ्ट टच के अंदर ये इसका डैशबोर्ड स्टिचिंग, इस गाड़ी में जितना भी काम है ना उसमें आप स्टिचिंग की फिनिशिंग चेक करें आप जी। जितना भी आपका डैशबोर्ड के ऊपर लेदर हैं, यहाँ के पीस लेदर हैं, ये पुश बटन है, इसके भी पीस को, बॉर्डर को भी वुडन किया गया है जी जी। ये स्टीरियो का बॉर्डर है, इसको भी वुडन किया गया, वुडन किया गया, ठीक है। तो अंदर से जो इसकी जो रिचनेस है उसके लिए, तो जो भी आप हमारे जो कस्टमर जिनकी ये गाड़ी है, आप एक बार उनसे रिव्यू चेक करें कि उनका क्या कहना है इस बारे में, ठीक है जी। वो भी यही है, डिलीवरी के लिए बैठे हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। ये अब आप इसका डोर्स की सेटिंग देखिए, डोर्स का सेटअप जो हमने स्टार्टिंग में दिखा दिया जी, डोर से जैसे एंटर किया था ना, तो बाकी ये पूरा वुडन का ही जो वुडन है इसके अंदर, तो कभी भी आपकी लाइफ में ना कभी कोई पपड़ी बनने की प्रॉब्लम आएगी, ना इसमें कोई फेडिंग की प्रॉब्लम आएगी। इसको जितना आप कपड़ा मारेंगे उतना ये ज्यादा ग्लॉस में आएगा, ठीक है। बाकी आप छत भी देख सकते हो पूरा ब्लैक, ये इसके मैचिंग मैट्स भी डाले हमने ब्लैक कलर में, जैसे गाड़ी आप थीम से देखें तो ऊपर से गाड़ी सारी ब्लैक है, तो ऐसे इसको फ्लोर में ब्लैक थीम के साथ रखा गया है जी जी, और बीच में गाड़ी सारी टैन है, ठीक है जी। इस तरह का कुछ जो है काम हुआ है हेक्टर में, ऑल दो रात हो गई है, पर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको जो दिखा सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि कस्टमर को ना अभी गाड़ी हमने देनी है, कोशिश हम करते हैं आपको दिन में दिखा पाए। ये देख सकते हो बैक सीट, ये देख सकते हो भाई बैक सीट फिनिशिंग वगैरह, ठीक है जी, इस तरह की कुछ फिनिशिंग वगैरह रहने वाली है, ठीक है। पीछे पिलर्स वगैरह, पीछे डिक्की में भी किया गया है अगर आप यहाँ से देख सकते हो तो, बाकी रूफ वगैरह मैंने आपको, ग्रैब हैंडल्स होते हैं वो भी ब्लैक कर दिया गया है, ठीक है जी। तो ये पूरा काम हुआ है हेक्टर में इस टाइप का, तो जी दिखाया मैंने आपको हेक्टर का काम, और भैया की गाड़ी है, भैया आए हैं एमपी से, भैया एमपी जबलपुर, जबलपुर कितना दूर पड़ता है भैया यहाँ से? यहाँ से 900 के आसपास है, 900 के आसपास, काफ़ी दूर से है। कैसा रहा भैया काम का एक्सपीरियंस? ये ओवरऑल तो बहुत बढ़िया था जी, मतलब जितना उम्मीद लगाया तो लगभग उससे बेटर हुआ है। आप गाड़ी जब लेके आए थे बिफोर कंडीशन आपसे बेटर तो किसी ने, बिफोर आफ्टर में कितना फर्क है? तो 110% इसके लिए अपन ने मार्किंग दिया भैया को, अच्छा जी, हाँ बिल्कुल 5-star रेटिंग दिया अपन, ओके जी। वर्थ रहा इतना मतलब आना, वैल्यू फॉर मनी वगैरह नहीं? देखिए पर्टिकुलर हम आए इसलिए थे, हमने भी करोड़ बाग से एक दो जगह काम कराया पर सेटिस्फाई नहीं पाए, लेकिन ये भगवती मोटर्स जो है बिल्कुल 100% सेटिस्फाई सेटिस्फाइड बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू भैया।